आइए रागणी आपके बीच में देशभक्ति सुभाष चंद्र बोस के किस्से से बात वहां से सबकी सुनी सुनाई रागणी। जब भी सुभाष चंद्र बोस जर्मन के अंदर जाते हैं तो हिटलर के द्वारा कैसा स्वागत किया जाता है, आइए रागणी के माध्यम से सुनिएगा कवि ने कैसे क्या लिखा है। और जिसका अभी जिक्र भी चल रहा था रागणी का, वही रागणी आप सभी के बीच में। हेलो 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 एरे घड़ी न बीती सने लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर के हेरे परसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर के हेरे गाड़ी ना बीती ना बन गुजरा उतरा जहाज शिखर ते परसन लागे फूल बोस पे हाथ मिला हिटलर के सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद। और 100-100 रुपए से 200-200 से आदरणीय हमारे महेंद्र जी अंकल जी जो निदाना से चल के आए हैं, जिनका बहुत अच्छा चैनल भी है मलार फोक म्यूजिक। हाँ हाँ जी, ये 100-100 रुपए से हमारे बड़े भाई साहब भी मान सम्मान करते हैं आदरणीय प्रीतम बोध जी। हाँ जी, बोध साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हिटलर ने हिटलर ने कोड़ी वरली, हिटलर ने कोड़ी वरली, सच्चे यार बोस की एरा। जय हिंद जय हिंद और नमस्ते मी दिलदार बोसी की, सब ते जाता इज्जत राखी, सब ते जाता इज्जत राखी, दरिया पार बोस की एरे। आगे पैंड बाजता पांच कार बोसी की
आदरणीय राजेंद्र जी पड़गुर्जर साहब 500 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं और आदरणीय किशन चंद जी के बेटे हैं हाँ। प्रियवर्त जी 600 रुपए से मान सम्मान करते हैं आदरणीय हमारे ये ललित जी कवि किशन चंद जी के पोते हैं खरखोदा से 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे बीच में जो बहुत अच्छे भाषण जिन्होंने दिए मैं उनका नाम तो नहीं जानती हूँ एडवोकेट हैं रामदास अंबेडकर जी बहुत अच्छे भाषण जिन्होंने दिए मुझे बहुत अच्छे भाषण लगे उनके हाँ जी हाँ 500 रुपए से मान सम्मान किया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद रजो कुछ मांगा रजो कुछ मांगा काम बोस ने जो कुछ मांगा काम बोस ने बाज दौड़ के हो गया खातिर सेवा मैं हिटलर खड़ा हाथ जोड़ के हो गया अफसर और सिपाहिया नीचे माट खोड़ में हो गया कलाकारों का मान सम्मान करते हैं और कहते हैं कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था इस चिरागे वतन उनका नाम नहीं होता जो इस देश के लिए कुछ करके जाते हैं क्योंकि राजनीति ऐसी होगी हाँ इसीलिए उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया जिनके लहू से जलता था इस चिरागे वतन अरे जगमगा रही है उनकी हवेलियां जो बेच कर खा गए शहीदों का कफन प्रेमी सजनों मरा भी उससे तजा है देश की खातिर करा भी उससे तजा है जो देश तक प्रेम करा करे कि आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है अरे आओ झुककर करे सलाम जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है और खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है आइए अंतिम बात में कभी लिख सकते क्या लिख दिया चार कूट और तीन लोक में चार कूट और